में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। लॉकडाउन 4 को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या नई गाइडलाइन जारी की जाएंगी, इस पर यूपी सरकार लगातार मंथन कर रही है। सूत्रों के अनुसार यूपी सरकार शाम 6 बजे तक गाइडलाइंस जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि शाम को 5:30 बजे कैबिनेट मंत्रियों के साथ विचार विमर्श के बाद इसका ऐलान होगा। इसके तहत पूरी यूपी को लेकर विभिन्न जोन के जिलों में दी जाने वाली सेवाओं को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। वहीं कुछ जिलों को छूट से अलग रखा जा सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर टीम 11 की बैठक में लॉकडाउन 4 के लिए रणनीति पर सीएम योगी मंथन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों पर छूट देने का फैसला छोड़ा गया है, जिसको देखते हुए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए क्या क्या छूट दी जा सकती है, इसको लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही प्रवासी श्रमिकों के स्टेटस पर भी सीएम अपडेट ले रहे हैं। उधर रेड जोन के जिलों में फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी इसी रेड जोन में है, लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि यहां पहले की तरह ही लोगों को लॉकडाउन का पालन करना होगा। वहीं केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन 4.0 को 31 मई तक और बढ़ा दिया है। लेकिन लॉकडाउन 4.0 में आम जनता को काफी छूट और सहूलियतें भी दी जाएंगी, जिसका असर अब सड़कों पर दिखने लगा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली को नोएडा से जोड़ी जाने वाली कालंदी कुंज के पुल पर भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। कई मीटर दूर तक वाहनों की लंबी लाइन लग गई है, जिसमें कार सवार के साथ साथ काफी संख्या में बाइकर्स भी हैं। वहीं यूपी पुलिस ने साउथ दिल्ली व फरीदाबाद से नोएडा आने वाले लोगों को बॉर्डर पर रोक दिया। पुलिस का कहना है कि पहले जो नियम था वह अभी भी लागू है, जरूरी पास जिसके पास होगा उसी को जाने दिया जाएगा। बता दें कि गृह मंत्रालय ने रविवार को लॉकडाउन 4.0 के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों की संख्या के हिसाब से सरकार की ओर से तय रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन की लिस्ट अब राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश तैयार करेंगे। वह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सरकार से अपील की है कि मानवता और इंसानियत के साथ उनके घर वापसी का इंतजाम करें। मायावती ने यूपी में एक्सीडेंट का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रक में भरकर मजदूरों को भेजने की हृदयहीनता पर उभरा जन आक्रोश उचित है। ये साबित होता है कि सीएम के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। वहीं मायावती ने ट्वीट किया कि औरैया यूपी की भीषण दुर्घटना में मारे गए मजदूरों व घायलों को इकट्ठा ट्रक में भरकर उनके घर भेजने की हृदयहीनता पर उभरा जन आक्रोश उचित ही है। इससे साबित होता है कि सीएम के निर्देशों को गंभीरता व संवेदनशीलता से नहीं लिया जाता है। वहीं दिल्ली के नोएडा में एक पुलिस वाले ने महिलाओं के ऊपर बरसाई लाठियां। बता दें कि महिलाएं घर का राशन लेने के लिए घंटों से लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। उसी दौरान एक पुलिस वाले ने वहां लाइन में खड़ी महिलाओं पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया। बता दें कि वहां मौजूद अन्य महिलाओं ने पुलिस की करतूत को कैमरे में कैद कर लिया। वहीं जब पुलिस की करतूत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बता दें कि वीडियो में दिख रहे सब इंस्पेक्टर का नाम सौरभ शर्मा बताया जा रहा है। प्रशासन द्वारा आरोपी सब इंस्पेक्टर को जांच के बाद निलंबित कर दिया गया। वहीं सूर्य नगरी जोधपुर में लॉकडाउन के आखिरी दिन रविवार को एक हिस्ट्री सीटर की दिन दहाड़े सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि हत्या का शिकार हुआ हिस्ट्री सीटर घटना के समय सब्जी खरीद रहा था। उसी वक्त बाइक पर सवार होकर आए दो हमलावर उसे गोलियों से भूनकर फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों में फुटेज खंगाल कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, बाद में परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार वारदात मंडोर के नयापुरा इलाके में हुई। हत्या का शिकार हुआ रुड़कली निवासी विकास पंवार डांगियावास थाने का हिस्ट्री सीटर था। वही खबर आ रही राजस्थान के कोटा में संपत्ति विवाद में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक भयावह घटना सामने आई। यहां एक शख्स ने मकान हड़पने के लिए मां का ही अश्लील फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जी हां, इस मामले में मां की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोटा शहर के दादाबाड़ी पुलिस थाना इलाके से जुड़ा हुआ है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे ने मकान के विवाद के चलते इस हरकत को अंजाम दिया है।
वह मकान हड़पना चाहता है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी बेटे ने बाद में शातिराना अंदाज में इन फोटोज को डिलीट भी कर दिया। पीड़िता के दो बेटे हैं जिनमें से एक बेटा अलग रहता है, आरोपी बेटा उनके साथ ही रहता है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।